यूनिवर्सिटी यूपी में स्थित है जिसका नाम है द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, या हम कहें ग्लोकल यूनिवर्सिटी। दोनों ही रूप से यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल ठीक है, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी के नाम से ही स्टूडेंट्स ज्यादा जानते हैं इस यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे अप्रूवल्स हैं, कई सारे कोर्सेज में ये यूनिवर्सिटी कई सालों से एडमिशंस लेती आ रही है। किन कोर्सेज में अभी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, क्या बोलता है यूनिवर्सिटी का यूजीसी का स्टेटस, मतलब यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहाँ रैंक करती है, और साथ में ही NIRF का स्टेटस क्या बोलता है। दोस्तों जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज सबसे पहले आप यूजीसी पर चेक करें कि यूनिवर्सिटीज का अस्तित्व है भी कि नहीं। दोस्तों वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज पर, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत डिटेल में कई सारी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया, और साथ ही बताया डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में भी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर हमें कमेंट करते हैं हमारी वीडियोस में जाकर, व्हाट्सएप करते हैं और मेल भी करते हैं। यूनिवर्सिटी यूपी में स्थित है जिसका नाम है द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, या हम कहें ग्लोकल यूनिवर्सिटी। दोनों ही रूप से यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल ठीक है, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी के नाम से ही स्टूडेंट्स ज्यादा जानते हैं इस यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी यूपी में स्थित है, सहारनपुर में ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे अप्रूवल्स हैं, कई सारे कोर्सेज में ये यूनिवर्सिटी कई सालों से एडमिशंस लेती आ रही है। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। यूनिवर्सिटी 100% यूजीसी रिकॉग्नाइज है और यूनिवर्सिटी चलती है 350 एकड़ के कैंपस में। 350 एकड़ का कैंपस मतलब एक बहुत बड़ा एक विशाल कैंपस होना। साथ में यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या कोर्सेज है, किन कोर्सेज में अभी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, क्या बोलता है यूनिवर्सिटी का यूजीसी का स्टेटस, मतलब यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहाँ रैंक करती है, और साथ में ही NIRF का स्टेटस क्या बोलता है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अब NIRF की रैंक देखी जाती है जब भी कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। बहुत कुछ बताऊंगा आज आपको ग्लोकल यूनिवर्सिटी के बारे में, ज्यादा कुछ जानने के लिए द ग्लोकल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स के दिल में जो अक्सर सवाल रहते हैं कि हमें किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए, किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमें नहीं लेना चाहिए, ग्लोकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूपी में चलती हैं, टोटल वैसे तो 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं पूरे यूपी में। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उन्हीं में से एक नाम आता है द ग्लोकल यूनिवर्सिटी का, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.glocalyuniversity.edu.in है। और कई सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, जैसे LLB करवाती है, फार्मेसी करवाती है, साथ में एजुकेशन रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो भी करवाती है। ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के पास, पर सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को हम चेक कैसे करते हैं। दोस्तों जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज सबसे पहले आप यूजीसी पर चेक करें कि यूनिवर्सिटीज का अस्तित्व है भी कि नहीं। उससे पहले आप जानिए कि अगर आप जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो यूनिवर्सिटी कहां स्थित है। यूनिवर्सिटी है दोस्तों सहारनपुर में। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग एक जगह पड़ती है, मतलब जो हाईवे है 57, वहीं ये यूनिवर्सिटी सहारनपुर में यूपी में स्थित है यूनिवर्सिटी। ये यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को, सबसे पहले आप क्या करें, टाइप कीजिए ugc.ac.in, www.ugc.ac.in। जैसे ही आप यूजीसी पर जाएंगे तो जाने के बाद में जो यूनिवर्सिटीज का एक टैब बना हुआ है, जैसे आप यूनिवर्सिटीज के टैब पर क्लिक करेंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद में अब स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक कॉलम आएगा, क्योंकि स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां सभी स्टेट्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे, जितने भी स्टेट्स के नाम आए हैं। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश पे जाके आप जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो चलती हैं यूपी में, सभी यूनिवर्सिटीज के नाम आपके सामने आ जाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है, टोटल 32 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है यूपी में। आप 31वें नंबर पर देखोगे द ग्लोकल यूनिवर्सिटी का नाम
लिखा हुआ है। दोस्तों ये कोई रैंकिंग नहीं है, वैसे तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आप NIRF की देखते हैं, 164 रैंक है, जो कि बहुत अच्छी रैंक मैं मानता हूँ उस चीज को। और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो इस यूनिवर्सिटी से काफी पिछड़ी हुई है, पर हम बात करें द ग्लोकल यूनिवर्सिटी की, जैसे ही आप यहाँ पे 31वें नंबर पर आएंगे, ये रैंकिंग नहीं है, अल्फाबेटिकली जैसे ही टी आता है तो उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहाँ मेंशन है। यूनिवर्सिटी 2012 में बनी है, 5 जुलाई 2012, अभी चल रहा है 23, तो अभी 23 के अनुसार देखा जाए तो लगभग इस यूनिवर्सिटी को 11 साल लगभग हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को काम करते हुए, और लगातार यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही है, बहुत बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। ऑफिशियल वेबसाइट www.glocaluniversity.edu.in। दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं कि यूनिवर्सिटी यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि UGC पर ही आपको चेक करनी चाहिए कौन सी वेबसाइट मेंशन है, और जो UGC ने मेंशन की है वही यूनिवर्सिटी की साइट ओरिजिनल होती है। अब चेक करने के लिए आप क्या करें, मोर डिटेल पे आप जैसे जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ज्यादा कुछ जानने के लिए, तो यहां पर यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहां पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है, साथ में ही जो वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के वो है प्रोफेसर PK भारती जी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी के अभी नए आए हैं, हालांकि 2022 में ये वाइस चांसलर, पहले इनके वाइस चांसलर अलग थे। दोस्तों हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटी को काफी आगे तक, काफी बड़े मुकाम तक ले जाने में किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान होता है। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी कहाँ तक पहुंचती है ये। साथ में जो रजिस्ट्रार साहब हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर रागेश धर द्विवेदी जी, उनके भी यहाँ पर फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी तरह की समस्या होती है पर वो यूनिवर्सिटी से अप्रोच नहीं कर पाता है, तो सीधा आप जाकर जो नंबर्स यहाँ मेंशन है उन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मिल जाएगा। दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें, हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। यूनिवर्सिटी 100% UGC रिकॉग्नाइज है। साथ में हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास UGC के अलावा और कौन कौन से अप्रूवल्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ UGC के आधार पर ही एडमिशन ले ले और बहुत सारे कोर्सेज चला दे, ये पॉसिबल नहीं। जितने भी काउंसलिंग बॉडीज होती हैं, उन काउंसलिंग बॉडीज से यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेना होता है अगर वो कोर्सेज यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में चलाना चाहती है। जैसे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, सबसे पहले मैंने बताया आपको UGC के बारे में, साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास यूनानी मेडिकल कॉलेज भी चलता है, मतलब कि आप करना चाहते हैं BUMS तो उसके लिए भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, साथ में ही BAMS अगर आप करना चाहते हैं जो आयुर्वेदिक के कोर्स होता है उसके लिए भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अप्रूव्ड बाय AICTE के बारे में यूनिवर्सिटी ने अपने अप्रूवल्स में मेंशन किया है। हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्हें AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, कॉलेजेस को इसके अप्रूवल की जरूरत होती है, तो AICTE के अप्रूवल की खास वैसे तो इस यूनिवर्सिटी को जरूरत नहीं। साथ में यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी दोस्तों काउंसिल कोर्स मतलब कि LLB करवाना चाहती है तो LLB 3 साल की हो या 5 साल की हो, दोनों ही कोर्सेज को चलाने के लिए BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना उस यूनिवर्सिटी के पास बहुत जरूरी है, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा आपका अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोर्स कर लिया जिसको मान्यता नहीं थी। तो ध्यान से आप देखें 3 साल की LLB 5 साल की LLB में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप एडमिशन लेंगे, कैसे इंटर्नशिप करेंगे, जूनियरशिप किन्हीं वकील साहब के साथ आप कैसे करेंगे, ये सब पर हमने वीडियोस बनाई है, हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो भी अवेलेबल है। साथ में फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, दोस्तों PCI के लिए मतलब आप कुछ ये समझिए कि जितने भी कोर्सेज होते हैं, आप डी फार्मेसी करना चाहते हैं, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी आप करना चाहते हैं, तो डी फार्मेसी बी फार्मेसी जैसे कि आपने अगर 12th कंप्लीट की तो 12th कंप्लीट करने के बाद में 2 साल का होता है डी फार्मेसी और 4 साल का होता है बी फार्मेसी। आपने कर लिया डी फार्मेसी, आप बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो वह 3 साल का होता है क्योंकि लिटरल एंट्री मिल जाती है, और बी फार्मेसी की बात आप करते हैं एम फार्मेसी, यूनिवर्सिटी एम फार्मेसी में भी एडमिशन लेती है, तो यूनिवर्सिटी के पास PCI का भी अप्रूवल है। साथ में ही AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में लिस्टेड है। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे कोर्सेज चलते हैं पर जितने भी स्टूडेंट्स
अब्रॉड से पढ़ने आते हैं इंडिया में, दूसरी कंट्री से आते हैं, तो इसको जरूर देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो मेंबरशिप है वो यूनिवर्सिटी के पास है कि नहीं। प्रोफेशनल मेंबरशिप यूनिवर्सिटी के पास है, साथ में ही रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE। आप बीएड करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, बीएड के लिए NCTE का अगर अप्रूवल नहीं किसी यूनिवर्सिटी के पास तो वो बीएड नहीं करा सकती। और इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना भी चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं बीएड, तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, बहुत सारे प्राइवेट के लिए भी करते हैं, बट दोनों के लिए ही NCTE का अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जो एक एंट्रेंस कराया जाता है CTET के द्वारा, CTET पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है अपने इसी चैनल पर, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में डाल दूंगा उसका, आप देखें कि CTET कैसे क्वालिफाई किया जाता है, CTET कब आया और कैसे CTET काम करता है, इसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर RTI लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी जब यूनिवर्सिटी बनती है, सबसे पहले UGC की ही मान्यता लेती है, साथ में ही स्टेट का, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसका अप्रूवल भी लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। उसके बाद में अलग अलग तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास NIRF की जो रैंकिंग है 164 है, आप वो चेक कर सकते हैं, ये अपने आप में यूनिवर्सिटी के पास एक अचीवमेंट वाली बात है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये जैसी और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है उसी तरह से एक यूनिवर्सिटी ये भी चलती है। ऐसा कुछ खास नहीं कि मैं आपको बोलूं बहुत ज़्यादा खास है कोई चीज़, बस यूनिवर्सिटी के पास जो अप्रूवल्स होने चाहिए वो सब अप्रूवल्स इस यूनिवर्सिटी के पास हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटी एडमिशंस ले पाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है। जो काउंसिल कोर्सेज हैं वो तो यूनिवर्सिटी करवाती ही है, साथ में यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से कोर्सेज जिनमें यूनिवर्सिटी एडमिशन ये लेती है। अब इसके अंदर बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है, एडमिशन लेती है। BSc में एडमिशन लें, MSc में एडमिशन लें, BTech करें, डिप्लोमा करें, MTech करें, ये सभी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में ही बिजनेस एंड कॉमर्स, मतलब BCom करना चाहते हैं, MCom करना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं या कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में लाइफ एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, इसके लिए भी जो भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी, हालांकि वेबसाइट पर सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं, वो कोर्सेज आप देख सकते हैं। साथ में लॉ करवाती है यूनिवर्सिटी, 3 साल की LLB करें या 5 साल की LLB करें, दोनों ही अवेलेबल है। और साथ में ही एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेज, आप डी फार्मेसी करें, बी फार्मेसी करें, एम फार्मेसी करें। एजुकेशन में आप जाते हैं DLED करें, आप चाहे BEd करें, वो कोर्स भी यूनिवर्सिटी करवाती है। आयुर्वेदा से रिलेटेड BAMS कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है, यूनानी रिलेटेड BUMS करवाती है यूनिवर्सिटी। पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, साथ में BSc नर्सिंग, ANM, GNM जैसे बहुत सारे कोर्सेज करवाती है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज दोस्तों बनती हैं, जब UGC का अप्रूवल किसी यूनिवर्सिटी को मिलता है तो उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, UGPG, सभी तरह के कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से अप्रूवल की जरूरत पड़ती नहीं है यूनिवर्सिटी को। ग्लोकल यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा है, 350 एकड़ का कैंपस है, ये अपने आप में ही एक वैल्यू करता है। दोस्तों, अभी 2023 में यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से नए अप्रूवल्स आए हैं, कौन कौन से नए कोर्सेज आए हैं, या फिर कौन से अप्रूवल्स अब हट गए हैं, या कौन से कोर्सेज अब यूनिवर्सिटी नहीं करवा सकती, ये सब के लिए हमें यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट करना होगा या फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस आए 2023 का, तो ही आपको डिटेल में बता पाएंगे। पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज अपने आप को ट्रांसपेरेंटली स्टूडेंट्स के सामने लाना चाहती नहीं है और स्टूडेंट तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये भी काफी यूनिवर्सिटीज नहीं चाहती हैं। बट इस यूनिवर्सिटी का जब भी कभी हमारे पास प्रॉस्पेक्टस 2023 का आता है या हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स कैसे हैं, एडमिशन किन कोर्स में आप लेना चाहते हो उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, हमसे कोई असिस्टेंस चाहते हैं, सभी चीजों के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल करें या आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर दिए गए नंबर पर, जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो भी हम आपको
रिप्लाई कर देंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। दोस्तों क्या है आपके डाउट, किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हो, किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आप हमें जरूर बताएं, हमें उसका इंतजार रहेगा और कोशिश करेंगे आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।